और हिंदुस्तान के सबसे बड़े हैंडसम लड़के से आज मेरी मुलाकात हुई थाईलैंड के पटाया में। और भाई यहाँ पे जो है आए मजा लेने और गर्लफ्रेंड को धोखा देकर आए, लेकिन भाई को दिल से सबूत है, भाई पूरे बॉबी देओल लग रहे हैं। लव यू भाई, बॉबी देओल लग रहे हैं। आप इनके ब्लॉग्स में देखना एंड तक क्या क्या एडवेंचर मस्ती पागलपंती हो रही है, आप इनके ब्लॉग में देखना। तो हे गाइस, हम लोग सो के उठ चुके हैं, नींद बहुत ही कम मिली है और अभी स्टाफ का कोरल आइलैंड, वहाँ पे हम लोग मजे करेंगे, स्कूबा डाइविंग करेंगे और आसमान देखते हैं, वहाँ से कितना नीचे से आसमान में जाते हैं, तो मजा आने वाला गाइस, चलते सीधा। मैं नहीं करने वाला स्कूबा डाइविंग, मेरे को पानी से बहुत डर लगता है। चलो चलते और देखते वहाँ क्या क्या होने वाला है। अश्लीलता तो बहुत है यहाँ पे, पर फिर भी आँख बंद करके चलो और सबको इग्नोर करते चलो। ठीक है समरिया, हम लोग आ गए बस में। यहाँ हमको हमारा जोड़ीदार मिल चुका है अरवाज भाई, सुबह से एक भी फोन नहीं किए कि भाई हम लोग उठ गए और उठ के बस में बैठे हुए, लेकिन एक भी फोन नहीं किए। तो गुड मॉर्निंग गाइस, तो गाइस मेरी जीन्स सरक रही है और मैंने बेल्ट नहीं लाया है, मैं बेल्ट इंडिया में भूल के आया हूँ और यहाँ पे बेल्ट है नहीं होटल रूम पे। भाई बेल्ट है क्या तुम्हारे पास? बेल्ट है मेरे पास, दो बेल्ट है, लेकिन इंडिया में मगर वो क्या है कि बांद्रा में है, जाके लेके आऊं क्या? अभी लेके आता हूं। हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप है और उस धूप के लिए मैंने जैकेट भी उतार दिया क्योंकि बहुत गर्म लग रही है और सनस्क्रीन भी लेना है और लोग चप्पल भी देने वाले क्योंकि मैंने शू पहना है और हम लोग चप्पल लेने वाले अभी, ये पानी में नहीं पहन के जा सकते, सॉरी। क्या बोल रहे, चप्पल लूं? कौन लिया? मेरा फ्रेंड लिया। अरे पानी में नहीं जा सकते, नो वॉटर, पानी 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 पानी। तो गाइस हम लोग इसमें बैठने वाले और इसमें बैठ के घूमने वाले अंदर जाके, क्या होने वाला है, चलो चलते हैं और देखते हैं। तो चढ़ाने वाले ऊपर हमको नहीं, हाँ हम ही चढ़ने वाले ऊपर, देखते हैं। यहाँ सब कुछ पिंक पिंक ही दिख रहा है मेरे को, पिंक कलर पिंक कलर भाई, पिंक कलर पिंक कलर पिंक कलर पिंक कलर पिंक कलर। अभी टोपी तो दिखाओ, एकदम पिंक हो गया, हाँ ये टोपी में भी पिंक कलर, हर बात भाई पिंक कलर, पूरे पिंक होके घूम रहे। हम लोगों को पहले पहननी पड़ेगी लाइफ जैकेट। मां का मच्छी पकड़ने जा रहे, मच्छी नहीं पकड़ने जा रहे, अगर ये ग्रीन कलर का होता तो और मजा आता, डार्क ग्रीन। बहुत सारी एक्सपीरियंस है यार, अच्छा और लाइफ जैकेट उतारना है, बस उतार दिए, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा दे। चिप्स मांग रहा है, तो हमको अभी इंस्ट्रक्शंस बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है, किस चीज से दूर रहना है, किस चीज के पास रहना है, सब अभी यहाँ पे हमको बताया जाएगा। जल्दी वहाँ से हटो, और तुम लोग मत रहो, तो गाइस अभी मेरे साथ जो है वो किसी पहचान का जरूरत नहीं है, सब पहचानते ही है और मैं भी पहचानता हूँ, मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूँ भाई को, भाई बहुत वायरल है, भाई दिखा दो अपनी शक्ल। तो आप इनको टप्पू के नाम से जानते हैं और भाई का असली नाम है राज, भाई क्या बोलना चाहेंगे आप?
वे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मैं तो कुछ कर नहीं रहा यहाँ पे, वाटर एक्टिविटी सब कर रहे हो? हाँ भाई मैं कर रहा हूँ। भाई कर रहे हैं भाई, तो आप इनके ब्लॉग्स में देखना एंड तक, क्या क्या एडवेंचर मस्ती पागलपंती हो रही है, आप इनके ब्लॉग में देखना जरूर। देखो हम इनको देखेंगे लाइव, आप यहाँ पे देखना ठीक है। तो गाइस सबसे जरूरी है सनस्क्रीन लगाना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप है और पूरी स्क्रीन टैन हो जाएगी, इसके लिए सनस्क्रीन लगाया गया है। और आयन भाई ने जुगाड़ करके लाया सनस्क्रीन। समीर भाई नहीं लगा रहे सनस्क्रीन, समीर भाई की स्किन वैसे भी माशाल्लाह बहुत अच्छी, हमारी ख़राब हो जाती है, इसके लिए हमको लगाने की ज़रूरत है। तो हमारे साथ है पुनीत सुपरस्टार भाई, तो हर कोई जानता है और सबको ही पहचानता है, तो भाई क्या बोलना चाहेंगे आप? बस भाई दुआ में याद रखो और ऐसे ही जो है सपोर्ट करते रहो, भाई को भी सपोर्ट करते रहो। और हिंदुस्तान के सबसे बड़े हैंडसम लड़के से आज मेरी मुलाकात हुई थाईलैंड के पटाया में, और भाई यहाँ पे जो है आए मजा लेने और गर्लफ्रेंड को धोखा देकर आए, लेकिन भाई को दिल से सपोर्ट है, भाई पूरे बॉबी देवल लग रहे हैं, लव यू भाई। बॉबी देवल लग रहे जाने वाले हम लोग, ये सेफ्टी है, इसको पहनना ही है, बस वही पहन रहे। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं हवा में उड़ने के लिए, नो अलाउड ना। खाली खा रहे बोल रहे हैं, रुक नहीं रहे, खाली खा रहे हैं भाई, खाली खा रहे, खा रहे, खा रहे, खाली खा रहे, रुक नहीं रहे। तो हम लोग अभी ये बोट पे जा रहे हैं, हम लोग आ गए ये बोट पे, अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे स्कूबा डाइविंग के लिए। यहाँ भाई लोग देखो कॉस्ट्यूम पहन के रखे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूबा डाइविंग के लिए, और यहाँ सीन ऐसा है कि हम लोग अपना फोन अंदर नहीं लेके जा सकते, तो ये भाई लोग अपना कैमरे से बनाएंगे। तो गाइस हम लोग पानी के अंदर जाके आए, स्कूबा डाइविंग किए, बहुत मजा आया हम लोग को, और पर अंदर कुछ बराबर दिख नहीं रहा था, पर फिशेस दिखे हम लोग को, और उनको ब्रेड से खिलाने का था तो हम लोग ने खिलाया, भारी मजा आया। उसकी फुटेज मिलेंगी आगे ब्लॉग में, आपको दिखेंगी, डालेंगे। आयान भाई छूट गए और हम लोग यहाँ बैठ गए, भाई के साथ हो गया धोखा। अभी हम लोग जा रहे हैं जेट स्की चलाने और बनाना राइड करने, वहीं पहुंच रहे, और यहाँ बारिश भी होने लगी, धूप भी निकली और बारिश भी हो रही है। तो हम लोग आ चुके बीच पे, कौन सा बीच है भाई? ये करोला बीच, कौन सा बीच है? करोला, करोला आइलैंड। तो गाइस अभी हम लोग जेट स्की चलाने जा रहे हैं, जेट स्की हम लोग नहीं चलाएंगे, वो जो हमारे पीछे एक गार्ड रहेगा वो जेट स्की चलाएगा, क्योंकि हमको चलाने आती है नहीं, और शायद इधर अलाउड भी नहीं है, इधर अब खुद को दूसरे जन ही चलाते, जो गार्ड रहेगा शायद वही चलाएगा, हम लोग नहीं चला पाएंगे, ये शायद ये चलाएंगे या तो ये चलाएंगे। A few moments later. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अपन तीनों चले आएंगे, सभी लोग बैठ के खेलेंगे।
Moments later. तो गाइस हमारी जेट स्की की राइड और बनाना की राइड भी बहुत भारी थी, बहुत मजा आया। अरबाज भाई, वो अरबाज भाई कैसा था आपका एक्सपीरियंस जेट स्की और बनाना राइड का? जेट स्की और बनाना राइड दुबई में कह रहे तो सही है, यहाँ पे मजा नहीं है। यहाँ पे वो पानी में भी नीचे लेके गए थे तो क्लियर इतना दिख रहा नहीं था, बट जो वो वाला था जो हम बोट में यहाँ बैठ गया वो एक्सपीरियंस बहुत मस्त था, भारी था, भारी था। और जो ऊपर गए थे वो भी अच्छा था। और यहाँ समीर भाई लोग नारे। तो गाइस अभी हम लोग चैलेंज कर रहे हैं कौन कितनी देर तक पानी में सांस रोक के रह सकता है, मैं और समीर भाई का चैलेंज है, तो देखते हैं। 1 2 3 गो। भाई 1 मिनट नहीं आया अभी, देखिए गजब डूबी बाज आदमी। तो गाइस हम लोग का पूरा एंजॉयमेंट हो चुका है और इसमें मेरे शूज है। और हम लोग अब वापिस जा रहे होटल आइलैंड का, कोरोला आइलैंड ना, हाँ कोरोला आइलैंड का पूरा हमारा टूर हो चुका है। अब हम लोग भूखे अब जा रहे होटल पे, देखते आगे जाके वापस पानी से ही जाना पड़ेगा, पानी से ही जाना है, पड़ेगा क्या, पानी से ही जाना है। तो गाइज हम लोग वापस होटल आ चुके और बहुत थक गए, बहुत मज़ा आया आज, बहुत सारा फन किया हम लोग ने। और अभी हम लोग जा रहे हैं आराम करने, तो अभी ये व्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और हम लोग कल कहें जहाँ पे भी जाएंगे हम लोग कल वहाँ का भी व्लॉग बनाएंगे, तो जुड़े रहिए, कहीं जाइए मत। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।